PKN News, सच दिखता है पाठक की नजर से। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी पड़ासर और आप देख रहे हैं पाठक की नजर से। आइए देखते हैं सारण की प्रमुख खबरें। कोरोना से बचने के लिए ली जाने वाली वैक्सीन कोविड शील्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज छपरा के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने दी। बता दें कि आज एक प्रेस वार्ता में छपरा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कोविड शील्ड वैक्सीन लेने के पहले डोज के बाद कितने दिनों का गैपिंग होना चाहिए यह बताया। देखिए यह रिपोर्ट। पहले था कि 28 दिन के बाद दूसरा लेना है, वो मान्य नहीं है। फिर बीच में आया कि 4 से 6 सप्ताह के बीच लेना है, वो भी हट गया। आज के डेट में जो है इसका ड्यूरेशन और बढ़ा दिया है। अब है सो 12 से 16 सप्ताह के बीच, मतलब 3 से 4 महीना के बीच सेकेंड डोज, यही अंतर आया है। मतलब 3 महीने के बाद कभी भी ले सकते हैं? कभी भी नहीं, 3 से 4 महीना के बीच, मतलब 12 से 16 सप्ताह। चतुर्थीय बार 1 महीना में, जैसे हमने डबल वैक्सीन, डबल हो गया मेरा, बट 1 महीने का जो डिफरेंस था ये सिर्फ लागू हो गया। ये कौन से वैक्सीन पे लागू हो रहा है? कोवैक्सीन तीसरा से चौथा महीना के बीच 12 से 16 सप्ताह के बीच कोवैक्स, जैसे पहले पुराना था उससे कोई परिवर्तन 28 दिन के बाद। अब हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन मौजूद है, कोवैक्स भी अवेलेबल है, कोशील्ड भी अवेलेबल है, समझ रहे हैं? दोनों वैक्सीन है। और अभी हमारा 45+ वाला भी लागू हो गया है, और पहले वाला पुराना तो चल ही रहा है। सेकेंड डोज में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, लेकिन लगा हुआ है कि सेकेंड डोज को वैक्सीनेशन